रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ है तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की है ये राहें, ऊंचे स्वयमान की है ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें। परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये है रूहानी राहें। नमस्कार, ओम शांति। हम हैं साथ आपके लेकर रूहानी राहें। दोस्तों, रूहानी राहें वे राहें हैं जो आपके जीवन को सजाती हैं, आपकी तकदीर को जगाती हैं और दौर जिंदगी का कैसा भी हो सदा साथ निभाती हैं। जितनी ये राहें खूबसूरत हैं उतने ही इन राहों पर होने वाले एहसास भी खूबसूरत हैं। हम आपकी मुलाकात कराते हैं इस कार्यक्रम के जरिए इन राहों की खूबसूरती को समझने वाले योगियों से, और ये राहें इतनी सुंदर है कि ये आपको सत्यम शिवम सुंदरम उस प्रभु तक ले जाती हैं। आज रूहानी राहें इस विशेष कार्यक्रम में हम मिलाने जा रहे हैं आपको मधुबन में अपनी अथक सेवाएं देने वाले, सदा प्रसन्न रहने वाले अति प्रिय भ्राता चंद्रपाल भाई जी से। देखते हैं मधुबन में रहते उन्हें रूहानी जगत में कैसा महसूस होता है। ब्रह्मा कुमार चंद्रपाल भाई जी, आपका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गोविंदापुर गांव में 23 सितंबर 1960 को एक धार्मिक परिवार में हुआ। बचपन से ही ईश्वर से मिलने की तीव्र इच्छा को लेकर आप भक्ति किया करते थे। आप वर्तमान में ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय माउंट आबू के मधुबन परिसर में ट्रेनिंग सेंटर के बिस्तर विभाग को संभालते हुए समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेरा साधु महात्माओं के साथ में बैठना उठना, गांव में भी थे महात्मा जी, उनके साथ में बैठते थे, लेकिन ईश्वर के प्रति जानने की, ईश्वर कौन है, कहाँ है, भगवान क्या करता है, ये बहुत इच्छा रहती थी। एक मेले में से मैं 2-4 किताबें ले आया था, उसमें एक किताब में भजन था, अजब हैरान हूँ भगवन, अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊँ मैं, अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे मनाऊँ मैं वो भजन गा गा के मन में आंसू भी बहते थे, लेकिन उनकी उसको पुकारता रहता था। उसमें ऐसे है कि तुम्हारे तेज से रोशन है सूरज चांद और तारे, अजब हैरान हूँ भगवन अगर दीपक दिखाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे मनाऊं मैं। तो ऐसे ही मैं वो भजन गा गा करके ईश्वर को पुकारा करता था, और रामायण भी लाया था, उसको भी मैं पढ़ता रहता था बीच बीच में। सन 1979 में आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से अपने गांव में ही एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी के माध्यम से परिचित हुए। वहां दिया जा रहा ज्ञान आपके मन को भा गया और पास के ही गांव में संस्था की गीता पाठशाला में आप प्रतिदिन जाने लग गए। आपको जल्दी ही निश्चय हो गया कि ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग से परमपिता परमात्मा शिव कलयुगी सृष्टि को बदलकर सतयुगी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद में ही हमारे गांव में एक मेला लगता है, वहां पर प्रदर्शनी लगी हुई थी मंदिर के पास में ही मैं उस प्रदर्शनी को देखने गया, और एक चक्कर देखा, दूसरा चक्कर देखा,
सारा दिन उसी को घूम घूम के देखते रहा। उसके बाद फिर मंदिर में गया जैसे जाते थे हमेशा, लेकिन वो मंदिर में उतना मन नहीं लगा। फिर वापस प्रदर्शनी देखा, 3 दिन का प्रदर्शनी था जो राजू भाई के पिताजी मुरली वाले उन्होंने ही लगाई थी। तो 3 दिन के बाद जब उन्होंने इसका समापन किया तब शाम को एक प्रोग्राम रखा, उसमें बताया कि पास के गांव में ही एक पाठशाला है, अगर इससे अधिक जानकारी लेनी हो तो वहां आ जाइए। तो फिर हम और हमारा भाई और एक और भाई, 3 लोग उसको देखने के लिए जानने के लिए गए। तो जितना जितना हम इस ज्ञान को सुनते गए आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, वो जितना जितना जानते गए उसमें और खोते गए। फिर तो हमको घर में अपने जाने से अच्छा ही नहीं लगता था, जितना अधिक से अधिक समय हम वहाँ पाठशाला में बिताएं ऐसा होता था। फिर वो खुद ही कहते थे कि भाई तुम्हारे माता पिता याद करेंगे, कहेंगे कि कहाँ चला जाता है, इसलिए हम वापस अपने घर जाते थे, फिर खेतीबाड़ी में उनको सहयोग करते थे। उसके बाद फिर 1 साल तक ऐसे ही रोज़ मुरली क्लास करना। वहाँ का गांव का जीवन तो ऐसा ही होता है, क्योंकि पास के गांव में इनका पाठशाला था, तो वहाँ से सुबह सुबह उठ जाते आ जाते थे। रास्ते में एक बहुत बड़ा तालाब था, वहाँ ही स्नान वगैरह करके फिर हम जाया करते थे रोज़ क्लास में। क्लास कभी उस तभी से आज दिन तक क्लास रोज करते हैं, मुरली रोज सुनते हैं। 1980 में पहली बार आप मुख्यालय माउंट आबू में आए। 6 मास सेवाओं के लिए रुकने के बाद आपने अनुभव किया कि यही जीवन सच्चा जीवन है, और आपने अपना पूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित करने का निर्णय ले लिया। वहां आपको तपस्वी दादियों के अंग संग रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसे आपने अपने जीवन में कई दिव्य गुणों की धारणा की। एक भाई ने अनुभव मधुबन का सुनाया था, मधुबन में ऐसे है तो भगवान भी मधुबन में आते हैं, उनसे हम मिल के आए हैं, बाबा से मिल के आए हैं। तो हमें भी बहुत इच्छा हुई और हम मधुबन आने का प्लान बनाने लगे। मधुबन में जब आए तो सब्जी डिपार्टमेंट सबसे पहले हमने 6 मास सेवा की। मधुबन में जब रिटर्न आए तो फिर अशोक भाई को पता चला, रामसलोक के भाई के सहयोगी थे अकोमोडेशन में, और कई सेवाएं करते थे, तो उन्होंने हमको देखा और अपने पास में रख लिया। तब से आज तक ट्रेनिंग सेक्शन का जो बिस्तर विभाग है शांति स्तंभ के सामने, वहाँ ही सेवा दे रहे हैं। और इस सेवा करते करते हमें बहुत अच्छा चांस सभी दादियों का साथ, सभी दादियों का सहयोग मिला, क्योंकि सभी दादियों का, चाहे गुलजार दादी जी दिल्ली पांडव भवन में रहती थी, लेकिन जब यहाँ आती थी तो उनके कमरे की भी साफ सफाई करना, सेवा करना, हर प्रकार से जब होते थे तो काफ़ी अच्छा टाइम हमको उनके साथ में भी देते थे, क्योंकि दादियां तो हैं ही, हम इनको देखते थे कि कैसे कैसे भी आत्माएं, सैकड़ों आत्माएं, हजारों आत्माएं इनसे मिलने आती हैं हर प्रकार से, लेकिन इनकी स्थिति, इनकी अवस्था कितनी अच्छी रहती है। दादियों से बीच बीच में हम पूछा करते थे कि दादी आप कौन सा पुरुषार्थ करते हो, तो दादी जानकी दादी का एक ही शब्द हुआ होता था कि मैं न आगे न पीछे, न पास्ट न प्रेजेंट, मैं वर्तमान में जीती हूँ, इसलिए मुझे कोई थकान भी नहीं होती है, और साथ इसलिए वर्तमान को हम कैसे श्रेष्ठ बनाएं, ये उनका उत्तर हमेशा होता था। मधुबन में अतिथि देवो भव की संस्कृति का अनुपालन करते हुए आप सभी मेहमानों को देवी देवता मानते हुए उनकी बड़ी खुशी के साथ सेवा करते थे। शुरुआत के दिनों की अथक रूप से की गई सेवाओं का वर्णन आप कुछ इस तरह से करते हैं। उन दिनों में तो बाबा यहाँ ही मधुबन में मेडिटेशन हॉल में आते थे, तो
पार्टियां भी यहाँ ही रहती थी, तो उस समय हार्ड वर्क इसी अकोमोडेशन में भी, आवास निवास में भी होता था, क्योंकि उस समय अपने घर का ट्रेवल्स कोई बसें एक बस थी और बाकी कोई इतने साधन भी नहीं थे, तो पट बनाते थे कमरे में और एक एक कमरे में बहुत बहुत लोगों को, जहां आज 8 या 10 बेड लगे हुए हैं वहां 25 से 20 लोगों को रहते थे। तो उस समय हम बसें आती थी, फटाफट हम तीन भाई, एक चंद्रशेखर भाई हम और राम अशोक भाई, ये तीनों मिलकर के 2-3 मिनट मुश्किल से 5 मिनट में पूरी बस को का सामान, उस समय इतने मोटे मोटे बिस्तर होते थे और सबके, क्योंकि मधुबन में बिस्तर उस समय बोलते थे कि सभी अपना बिस्तर बाल्टी ये सब लेके आवे, तो सभी के बिस्तर भी होता था मोटा मोटा, लोहे की बड़ी बड़ी पेटियां होती थी, 2 मिनट में बस से उतार कर और नीचे रख देते थे। फिर रामलोक भाई से चिट्ठी लेकर के तुरंत मधुबन में, तो इस प्रकार से जो ट्रॉलीस हैं, ये ट्रॉलीस भी नहीं थी लेकिन वो बड़ी बड़ी दो ही ट्राली थी, तो उसमें सामान रख के और मुश्किल से 5-7 मिनट में जहाँ पर उनको कमरा दिया, चाहे विशाल भवन हो, चाहे ट्रेनिंग सेक्शन हो, सुदर्शन भवन तो था ही नहीं, और जब ज़्यादा भीड़ होती थी तो किचन में भी, डाइनिंग हॉल में भी, वहाँ भी सुला देते थे, हिस्ट्री हॉल में भी सुला देते थे, तो दादी जी अपना बाथरूम खोल देते थे कि इनको, वैसे तो ट्रेनिंग सेक्शन में बाथरूम है लेकिन दादी जी अपना बाथरूम भी खोल देते थे रात में कि देखो किसी को इमरजेंसी इधर जाना हो तो इधर चले जाएं। मधुबन में सेवा करते करते दादियों से कभी कभी पूछते थे तो दादी सुनाया करती थी कि आपको मालूम है चंद्रपाल, ये जो मधुबन में सभी बाबा से मिलने के लिए या बाबा के घर में आते हैं तो वो कौन हैं? ये वही हैं जिन देवी देवताएं हैं जो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, जिनको लोग ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे कोई भी आते थे तो हमारा सदा ये लक्ष्य रहता था कि जो यही वही वो देवी देवताएं हैं जिनको मंदिरों में ढूंढ रहे हैं लोग, भक्त आकर के उनकी पूजा कर रहे हैं। तो इसलिए जब ऐसी भावना से हम उनको देखते थे, उनसे मिलते थे, तो उन हमारे व्यवहार में, हमारे चाल चलन में, हमारी बातों में उनके प्रति वो ऊंची भावना रहती थी। तो जैसे बुराइयों से बचने का एक साधन भी था और बिजी भी इतना होते थे मेहनत से, तो दूसरे प्रकार के संकल्प आने का चांस भी नहीं रहता था। संस्था की तत्कालीन मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि के साथ अति समीप रहते हुए आपने देखा कि दादी जी छोटे बड़े सबका ख्याल रखती थी और हर काम खुद करके सबको सिखाती थी। दादी जी सेवाओं में आगे बढ़ाने के साथ साथ सबकी ज्ञान योग से भी पालना करती थी। दादी जी की मां समान ऐसी पालना होती थी जो किसी को भी घर की याद नहीं आती। बहुत बड़ी ट्रॉली थी और उसमें सामान लेकर के हम ट्रांसपोर्ट से अकेले ही जा रहे थे। दादियों की विशेषता देखो, 2:30-3 बजे का समय था, बाकी तो सब रेस्ट पर गए हुए थे, लेकिन आंगन में दादी भोजन करने के बाद में वॉक कर रही थी, टहल रही थी, तो मैंने देखा कि दादी जी जल्दी दौड़ के, जैसे दौड़ के आते हैं, और गाड़ी को दादी ने धक्का लगाया। तो ऐसा जब दादी ने धक्का लगा के उधर चढ़ाया तो दादी ने, मैं पीछे मुड़ के देखा तो मेरे को बहुत ऐसा फील हुआ कि जैसे कि आंखों से आंसू आने जैसे कि देखो इतनी बड़ी दादी और कैसे एक सामान ले जा रहे भाई को, छोटे भाई को, फिर बाद में बुला करके भी, गाड़ी को तो धक्का लगाया ही लेकिन उसके बाद में भी फिर हमको बुला के फिर टोली भी खिलाई कि कैसे प्यार करते दादियाँ
कैसे एक एक छोटे छोटे भाई बच्चे को छोटे कैसे पालना की वो, और वो हम देखने लायक था। एक एक बच्चे का दादी जी ख्याल भी रखते थे, अगर कोई बीमार हो जाता था तो भी आते थे। और दादी जी तो शांति स्तंभ के आसपास चक्कर लगाते ही थे हर रोज सुबह शाम, तो हम वहाँ अकेले बैठे होते थे। दादी कभी कभी तो अंदर में भी आ जाते हैं डिपार्टमेंट में कि चंद्रपाल ठीक है। और जब ये ओम शांति भवन बन रहा था तो भी हमने देखा कि सीटी बजती थी और सब मधुबन वाले भाई या जो भी पार्टी के होते थे और दौड़ के आ जाते थे, तो साथ में पत्थर उठाने के लिए और लाइन लगा देते थे। दादी जी भी लाइन में लग जाते थे और पत्थर हाथ में लेकर के गंतव्य जहाँ रखना होता था वहाँ तक लाइन पहुँचती थी और एक एक के हाथ में ऐसे 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 पत्थर वहाँ पहुँच जाता था। और ये सब करते हुए सेवाएं तो थी, लेकिन दादी जी इतना ध्यान रखते थे कि हर एक की ज्ञान योग से भी पालना अच्छी तरह से हो। तो बीच बीच में रात की अखंड भट्टी भी रखते थे। हमने देखा कोई भी ग्रुप आता था मधुबन में तो हर ग्रुप को कैसे इंटरटेनमेंट करना है, तो उसके लिए भी अगर छोटे बच्चे आते थे तो देखते थे, कई बच्चों को देखते थे भंडारी लेकर के घर में, वहाँ भंडारी रखते थे, भंडारी में पैसे गोलक में रखते थे और लेकर के आते थे। तो दादी गोलक को लेकर के अपने सिर पे रख करके और ऐसे ऐसे करके डांस करती थी आंगन में ही सबके सामने। फिर कभी कभी तो भंडारी को उन्हीं के सामने ऐसे तोड़ भी देती थी। तो दादी जी का तो क्या कहना है। तो दादी भी उसी प्रकार से ख्याल रखती थी कि हर एक बच्चे को कैसे कैसे पालना मिले, उनको किसी भी चीज़ का अपना घर याद ना आए, तो ऐसी पालना दादी जी देती थी। तो इस पार्क में पिकनिक भी करने के लिए प्रोग्राम बनाती थी। तो मैं तो समझता हूँ मोस्टली हर एक ग्रुप को पीस पार्क ले जाते थे, वहाँ खेल पाल कराते थे। अव्यक्त बाप दादा की पालना में पलते हुए आपको बाबा ने वरदान दिया कि आगे बढ़ रहे हो और सेवा में सदा ही आगे बढ़ते रहोगे। बाबा के साथ बिताए गए अनमोल पलों को आप कुछ यूं याद करते हैं। उन दिनों में तो बाबा एक दिन छोड़ करके दो दिन दो आता था दूसरे दिन, क्योंकि हर एक ग्रुप को सप्ताह के लिए चांस मिलता था एक सप्ताह रुकने का, और हर एक को बाबा दो बार मिलता था, उसके बाद में ही उनकी विदाई होती थी। और मुरली चलाने के बाद बाबा फिर एक एक को वरदान दिया करते थे। हाथ में हाथ होता था, टोली टोली लेकर के हाथ में हाथ रख देते थे और फिर बच्चों को हर एक को वरदान देते थे। मेरे को एक बार का वरदान दिया कि बच्चे आगे बढ़ रहे हो और सेवा ही साधन है आगे बढ़ने का, और और भी आगे बढ़ते जाएंगे। आप संस्था में समर्पित जीवन जीते हुए एक बंधन मुक्त खुशनुमा जीवन का अनुभव करते हैं। सब अपने हैं, कोई भी पराया नहीं है, इस भावना के साथ आप सबको ईश्वर की संतान मानते हुए बेहद के परिवार का सदस्य मानते हैं। सभी आत्माएं ईश्वर को पहचान कर उनसे सदा की सुख शांति लें, यही शुभ भावना आप रखते हैं। पहले तो हम दर दर के भटक रहे थे, ठोकरे खा रहे थे, अनेक प्रकार के संग से व्यसनों में भी फंस गए थे, लेकिन उसके बाद जब बाबा का परिचय और बाबा का ज्ञान मिला तो एकदम से जैसे देवताई भोजन कैसे खाते हैं, देवता कैसे चलते हैं, और उस प्रकार के चलने की प्रेरणा, उस प्रकार से रहने की प्रेरणा हमको हमारे बड़ों से यहाँ एक को देख करके मिली, और उसी प्रकार से हम अपना जीवन धन्य धन्य मान रहे हैं, क्योंकि लाखों झंझटों से अनेक प्रकार के बंधनों से
आज दुनिया के अंदर कितने प्रकार के बंधन हैं, हर बंधनों से मुक्त कर दिया। कोई अप्राप्त नहीं इस संसार में जो चाहिए जीवन के लिए। वैसे तो कहते हैं शरीर को क्या चाहिए, दो रोटी चाहिए, दो धोती चाहिए, वो तो है ही, उसके अलावा हमें जो भी चाहिए वो भी मिल रहा है, स्थूल में भी मिल रहा है और हमारा भविष्य भी इतना उज्ज्वल बन रहा है। इसलिए हर प्रकार के बंधन से मुक्त हैं और बहुत अच्छा फील करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा, वैसे तो एक परिवार में छोटा सा परिवार होता है, उसमें 4-5-10 बहुत बड़े से बड़े परिवार 10-15-20 मेंबर होते हैं और रिलेटिव्स को मिला लो तो 100 होंगे, लेकिन हमको तो बाबा मिला, तो बाबा मिलने के कारण इतना बड़ा बेहद का परिवार मिल गया जो सारे विश्व में फैला हुआ है। कहीं भी जाओ, कहीं भी अपना ही परिवार है, अपने कहीं भी किसी भी शहर में चले जाओ, आज दुनिया के किसी भी कोने में जाओ तो कोई अपना पराया नहीं लगता है, अपना ही लगता है, क्योंकि बाप हमारा है, बाप का सारे सभी आत्माएं, सभी आत्माएं बाप के बच्चे हैं। तो ऐसे उस भावना से भी देखते हैं तो कोई भी आता है, देखते हैं कि कितने विकारों में, कितनी बुराइयों में भी फंसे हुए हैं, लेकिन हमारी भावना उनके प्रति भी शुभ है, रहती है हमेशा कि ये भी बाबा आपके ही बच्चे हैं, आज बुराइयां हैं लेकिन धीरे धीरे ये भी सुधर जाएं, इनकी भी बुराइयां दूर हो जाएं। इस प्रकार से सदा योग भी करते हैं और नुमा शाम का समय होता है तो उस समय विशेष ऐसी शुभ भावनाओं के साथ संकल्प करते हैं और चक्कर भी लगाते हैं, संकल्पों से चक्कर लगाते हैं कि सभी आपके बच्चे ही हैं, आपके सभी बच्चे आपसे आकर के मिलें, क्योंकि सारे सब ढूंढ रहे हैं, सब भटक रहे हैं, आकर के आपसे मिलें, आपसे हम जैसे हमने आपसे अपना वर्षा पाया है, इतना सुखी जीवन बनाया है, ऐसे सभी आकर के अपना जीवन सुखी बनाएं। इसलिए सदा ये ख्याल रहता है कि कोई समय, एनर्जी और संकल्प ये वेस्ट ना जाए। जैसे हम दादी जी को देखते हैं, जानकी दादी को, आज हर श्वास श्वास में बाबा है, तो हम ये भी कहते हैं कि हर श्वास हमारा बाबा की सेवा में सफल हो। ब्रह्मा कुमार चंद्रपाल भाई जी का निर्मल मन, सच्चा दिल और मधुर व्यवहार सभी को ईश्वर पिता से जुड़ने की प्रेरणा देता है। आज आपने मुलाकात की ब्रह्मा कुमार चंद्रपाल भाई जी से। अपने पुण्यों से पद्मा पद्म भाग्य को बनाते इन योगियों से मिलकर आपको भी अच्छा महसूस होता होगा। दोस्तों, जब आप रूहानी राहों पर होते हैं तो खुशियां चलकर सामने से आपके पास आने लगती है और जिंदगी अनगिनत अविनाशी खजाने पाने लगती है। आपकी झोली अविनाशी खजानों से भरी रहे और यदि आप भी चाहते हैं कि आपके राहें यूं ही खुशहाली से हरी रहे तो आपको इसी पल संभलना होगा और चलना होगा उन राहों पर जिन्हें सब कहते हैं रूहानी राहें। ओम शांति, नमस्कार।